माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एसएसएन में दिया है रूट थ्री, टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, फोर रूट थ्री, दिस सीरीज फॉर्म अन एपी। एंड रीजन में है, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड इक्वल टू रूट थ्री, एंड देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन एपी। यहाँ पे एसएसएन एंड रीजन है वो ट्रू है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके रिगार्डिंग हमें पूरा देखना है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो रूट थ्री, रूट थ्री, टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री एंड फोर रूट थ्री, वो एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। डिफरेंस ए टू माइनस ए वन कर दो, दूसरी बार डिफरेंस ए थ्री माइनस ए टू करो, तीसरी बार डिफरेंस ए फोर माइनस ए थ्री करो, ए टू माइनस ए वन करोगे तो क्या होगा, टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री, यानी कि आपको मिलेगा रूट थ्री। यहाँ पे थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, रूट थ्री। यहाँ पे भी आप करो फोर रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री तो आपको आंसर मिलेगा रूट थ्री। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एसर्शन तो एपी है ही, बट उसका कॉमन डिफरेंस है वो रूट थ्री ही है, देयरफॉर द गिवन सीरीज एपी, ए सीरीज क्या है, एपी है। तो यहाँ पे एसर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार वापस आपको बता दूं तो क्या है, तो आपको यहाँ पे गिवन एपी दिए उसमें डिफरेंस चेक करना है वो एपी है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस हमें हर बार थ्री मिल रहा है रूट थ्री, तो वो क्या एपी भी है और उसका कॉमन डिफरेंस है वो रूट थ्री ही है। सो द गिवन आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा गिवन एपी के लिए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोस, हैव अ नाइस डे।